कोरोना वायरस के चलते ज्वालामुखी शहर में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर में चहल पहल बहुत कम है, प्रसाद की दुकानें भी बंद है। वहीं ज्वालामुखी उपमंडल की पुलिस भी कोरोना के चलते मुस्तैद नजर आई। कोरोना वायरस के चलते ज्वालामुखी शहर में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर में चहल पहल बहुत कम है, प्रसाद की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। वहीं ज्वालामुखी उपमंडल की पुलिस भी कोरोना के चलते मुस्तैद नजर आई। डीएसपी तिलक राज ने बताया कि पुलिस ने नादौन व रक्कड़ में पुलिस नाके लगाए हुए हैं और बाहरी राज्यों से आ रहे पर्यटकों को रोका जा रहा है, उन्हें वापिस भेज दिया जा रहा है। विदेशियों पर भी नजर रखी जा रही है और किसी भी बाहरी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि जितना कम हो घर से बाहर निकलें, अधिक आवश्यक हो तभी निकलें। भी स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। ज्वालामुखी में बीएमओ प्रवीण ने बताया कि कोई भी संदिग्ध या विदेशी नजर आए तो उसकी सूचना 104 हेल्पलाइन पर दे ताकि स्वास्थ्य विभाग उस पर नजर रख सके और इस पर कोरोना महामारी से बचा जा सके। इस मौके पर एसडीएम अंकुश शर्मा ने बताया कि वे सख्ती से धारा 144 का पालन कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य पर अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन भी किया गया। सरकार द्वारा जो भी आदेश व निर्देश आ रहे हैं उनका सख्ती से पालन कर रहे हैं, वो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन ने जनता को क्या क्या निर्देश दिए थे? कोरोना वायरस फैलाव को रोकने के लिए आज यहाँ पे तहसीलदार साहब, यूएमसी, डीएसपी ज्वाला जी, इनके साथ आज मीटिंग की गई। इवन बीएमओ साहब भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो जो भी सरकार के निर्देश अभी तक आए हैं इस फैलाव को रोकने के लिए, उनको लोगों तक कैसे इफेक्टिवली पहुंचाया जाए, वैसे तो काफ़ी दिनों से, पिछले 5-7 दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी हमने रिव्यू करा है कि क्या हम उतने इफेक्टिव तरीके से उस बारे में लोगों तक पहुंच पाए हैं। और अगर कहीं पे कोई कमी रही है तो हम आगे से कोशिश, हमने एक रणनीति बनाई है कि उसके तहत लोगों को इसके बारे में बताया जाए। और बाकी मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि उन लोगों, वो लोग या तो वॉलेंटरली हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के बारे में के साथ अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है और कब वो यहाँ पे पहुँचे और किस देश से आए हुए हैं उसके बारे में डिस्क्लोज़ करें। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके आस पड़ोस या उनके सगे संबंधी इसके बारे में प्रशासन को बता दें ताकि इसका जो फैलाव के बारे में हम ये सारी रणनीति बना रहे हैं उसमें ये हमें